हेलो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, बोलिए श्याम सरकार की जय हो। एक बार जयकार लगा दो, सीधे सीधे हाथ उठाओ, अरे बुलंद आवाज में जोर से जयकारा, बोलिए श्याम सरकार की जय हो, बोलिए हारे के सहारे की जय हो, बोलिए खरखोदा धाम की जय हो, नकलोई धाम की जय हो। और नकलोई धाम से भक्त पधारे हैं और हमारे सीढ़क भैया जो बाबा श्याम के परम सेवक हैं, एक बार नकलोई धाम के लिए जोर से जयकारा लगाइए। बोले श्याम सरकार की जय हो। ठालो एक बार सीधे सीधे हाथ, वो श्याम कैमरा लाग रहा है, वो मन्यारा दिखा है, कौन सा ठार है कौन सा नहीं, एक बार ताली बजाओ हमारे कैमरामैन के लिए। मोरवी नंदन प्रोडक्शन फोन काटो और एक बार यूट्यूब चैनल सर्च करो और उसने सब्सक्राइब करो। सच्चे दरबार की जय हो। एक बार हमारी नकलोई धाम के जो परम सेवक है हमारी पूरे टीम के लिए एक बार जोरदार ताली, एक बार स्टेज पे आए जी, उनका मान सम्मान ठालो एक बार आथिन में, जोरदार ताली लगा दो। सच्चे दरबार की जय हो। एक बार जोर से जयकार बोले खाटू नरेश की जय हो, बोले नकलोई नरेश की, बोले चुलकाना नरेश की। हमारे बीच में नकलोई धाम खाटू श्याम मंदिर से बाबा के प्रेमी पहुंचे हैं, मैं चाहूंगा दरबार में आए स्टेज पर और शिष्य और सभी परिवार खरखोदा धाम उनका सम्मान सम्मान करें। बोलिए हारे की सहारे की जय हो। कहते हैं मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि कोई भी आए उनका मान सम्मान करें। तैगा विजय कुमार सोनीपत, बोली सच्चे दरबार की जय। आइए चलते हैं प्यारे सी हाजिरी के साथ और बाबा से कहना बाबा हो जयकारा है जयकारा, जयकारा है जयकारा श्याम धनी तेरा जयकारा, जयकारा है जयकारा श्याम धनी तेरा जयकारा, शीश के दानी महाबलवानी, शीश के दानी महाबलवानी खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है, शीश के दानी महाबलवानी खाटू तेरा जयकारा है। अब जिन्हें जिन्हें लगता है कि इसकी कृपा हमेशा मेरे सिर पे रहते तो ठैक पर सीधे सीधे जहां तक आवाज है और मिल करके कहना क्या, शीश के दानी तेरा जब तक इसकी कृपा का हाथ सिर पे नहीं होता
इतनी हमारी हैसियत नहीं कि इसके दरबार में बैठ सके। अरे इसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी मिलता साहब, यहाँ बैठने को तो कात नहीं। दरबार की सच्चे दरबार की जय हो। ऐसे नहीं भाई, बिल्कुल सीधे सीधे हाथ उठाओ, फिर क्यों मत कही हो के नाम है सोनी पत्ता आया था नूकर। सच्चे दरबार की श्याम सरकार की जय हो। एक बार कहो, शीश के दानी महाबलवानी खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है। शीश के दानी महाबलवानी वो जयकारा है, जयकारा श्याम धनी तेरा जयकारा, जयकारा है। हो शीश के दानी महाबलवानी, शीश के दानी महाबलवानी खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है। बोली हरे की सहारी की जय हो। ये वाक्य की सच्ची बात है कि जो 14 वर्ष की उम्र में अपना शीश दान में दे सकता है तो क्या कुछ नहीं दे सकता। सच्चे दरबार की जय हो। अरे उस माँ से पूछो जिसका 14 साल का बेटा शीश काट के दान में दे दे, उसमें क्या बीतती होगी। सच्चे दरबार की जय हो। बोली हारी के सहारी की जय हो। आओ मिलकर के एक दो हाजिरी और बाबा के चरणों में। और विजय कुमार का मान सम्मान करते हुए मेरे भाई राज सैनी जटवाड़ा सोनीपत, जोरदार तालियां। बड़ी हारे के सहारे की जय हो। एक बार ताली लगाओ इस भाई के लिए, बड़ी सेवा करता है बाबा की। जहाँ छवि बाबा की लगी ना समझ लो श्रृंगार भाई साहब बिल्कुल लगे रहते, निस्वार्थ भाव से सेवा में। ताली लगाओ जी इन प्रेमियों के लिए और खरखोदा धाम के लिए, जितने भी प्रेमी अरुण जी विक्की जी जितने भी प्रेमी हैं जो सेवा में लगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आओ जी मिल। कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होगी शाह, वो कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होगी। दावे से कहती है खाटू जैसी जीते जी स्वर्ग मिला मर के भी क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। ये कैसा दरबार है साहब, आप किसी दरबार में चले जाइए हनुमान की जय श्री श्याम की जय, न जाने हर मंदिर में जाओगे जयकारा होगा। लेकिन ये पहला दरबार ऐसा है जिसके दरबार में लिखा रहता हारे का सहारा बाबा श्याम। आओ तो मिल करके इसी दरबार से झोली भरवाते हैं आज और मिल करके कहते हैं क्या हो, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, तो
बस वही स्वर्ग है, जब बिन बोले मिलता तो बोले के क्या मांगे। ऐसे से प्रेमी हुए हैं जिसकी भक्ति में पागल हुए हैं। संसार में अगर जीना है तो समझदारी की जरूरत पड़ती है, अगर शाम की भक्ति में जीना है तो पागल का नशा जरूरी है। बोले सच्चे दरबार की जय हो, शाम सरकार की जय हो। आओ मिल करके एक हाजरी और, मैं कहीं जाता हूँ जरूर गाता हूँ, क्योंकि यही एक ऐसा भजन है जिसमें बाबा साक्षात दौड़े चले आते। बोले श्याम सरकार की जय हो। आइए मिल करके। दरबार सावरिया ऐसो सजो प्यारो, सेवा में थारी ओ भाने आज बिछी जानो है। सेवा में थारी, अरे सेवा में थारी भाने आज बिछी जानो है, थन को ले निभाणो है। अब उठाओ सीधे सीधे हाथ, ये कीर्तन का नियम है कि दोनों हाथों की ताली जोड़ के मिल करके प्रभु को बुलाना और मिल करके कहना है क्या, ये ताली लगा की हाथों की ताली लगा के बाबा के नाम की हाजिरी भरो, लगा के ताली, एक दो तो।
आपका साथ चाहिए। अगर अपने पड़ोसी को अपने मन की बात बताओगे रो के सुन लेगा और हंस कर टाल देगा। दरबार की श्याम सरकार की किसी भी पड़ोसी को अपने मन की बात बताओगे तो रो के सुन लेगा और हंस के टाल देगा, लेकिन इसके सामने रोओगे ना साहब जरूर आपकी सुनवाई करेगा दरबार की। और बाबा से कहो बाबा जो कुछ बनो भासो अर्पण प्रभु सारो, जो कुछ बनो भासो अर्पण प्रभु सारो, प्रभु स्वीकार करो। युग में मैं जानता हूं मुझसे अनेक गलतियां होती हैं, लेकिन फिर भी मैं निश्चिंत रहता हूं मैं ये सोच के कि मेरा ठाकुर मेरे सामने बैठा है। जो समझता कि सामने मेरा पिता बैठा है वो मेरी माँ है, वो मेरा पिता जो समझता समझो, लेकिन बस प्रभु से मन के तार जोड़ो और बाबा से कहो कि बाबा अपनी सेवा में जरूर लगाए रखना। मिल करके ताली लगा के कहो बाबा से सेवा में धारी ओ भले आज पीछे जाओगे, सेवा में धारी सेवा में धारी भले आज पीछे जाओ, वेतन को भले निभाओ है कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज भले आओ है कीर्तन की है रात। आज खरखोदा में बाबा का भव्य दरबार लगा है, ये समझो कि सामने ठाकुर बैठा हो, और आज इसी कीर्तन में हम अपने मन के बात ठाकुर से मनवा के जाएंगे और एक नाता प्रभु से जोड़ना है। मिल करके दोनों हाथ उठाओ और प्रभु से कहो बाबा नाता जोड़ लिया शाम से नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया शाम से नाता जोड़ लिया, शाम से नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया शाम से सच्चे दरबार की जय, हेलो श्याम सरकार की जय। आइए जी, किस समय का थोड़ा सा अभाव है वरना बहुत सारे भजन सुनाता, एक दो छोटे छोटे भजन की फरमाइश हो रहेगा हमारे बीच में। हमारे परम पूज्य गुरु जी आए हैं, उनका मान सम्मान करेंगे। श्याम रसोई मैं मत दरबार में आए और उनका मान सम्मान करें। आदरणीय राजेंद्र जी गुरु जी फौजी स्टेज पे आए और उनका फटका फटाकर मान सम्मान करेंगे। श्री श्याम रसोई खरखोदा अरुण जी और समस्त शिष्याओं से परिवार टीम भगत ओम वीर राठी जी का मान सम्मान करते हुए वो जहां भी हो दरबार में आए। बाबा मोहन राम मंडल के परम गुरु जी स्टेज पे आए, ओमी राठी भगत जी कृपा करके दे स्टेज पे आए। बोली हरि की सहारे की जय, बोली लखदा सर की जय। राजेंद्र फौजी जी किसी जी का मान सम्मान करते हुए जहां भी हो स्टेज पे आ जाए। और हमारे बीच में बंदेपुर धाम से बाबा के प्रेमी आए हैं, उनका मान सम्मान करते हुए श्री श्याम रसोई परिवार करकोदा सोनीपत जो बाबा परम भक्त हमारे बीच
सुनील सैनी जी और सुनीता कपूर जी पधारी हैं, मैं चाहूंगा उनका मान सम्मान करें। बोलिए बंदेपुर धाम की, बोलिए सच्ची दरबार की। मैं चाहूंगा दरबार में, देखिए समय का अभाव है, आएगा विजय कुमार एक भजन, उसके बाद डॉक्टर सैन चैन तक हो चुके हैं। ताली लगाओ जी एक बार, सारे भक्त बड़ी सेवा में लाग रहे हैं, तो ताड़िया का सहयोग दे सके ना, ठाओ एक बार सीधे सीधे हाथ लगाओ जयकारा, बोले श्याम सरकार की जय। आओ जी एक भजन। है भरोसा तेरा अब सहारा तेरा, हे प्रभु तेरे चरणों में है अब गुजारा मेरा, क्या करूं बाबा बाबा, कैसे नैया होगी पार, छूट गई पतवार होशा, एक बार तू धीर बंधा जा, हारे की सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। और आओ जी हमारे बीच में हमारे गुरु जी। ओम बिरला, मैं चाहूंगा कि वो स्टेज पे आए। ओम बिराठी जी, वो तालियों से स्वागत करें। बोलिए हारे के सहारे की जय, बोलिए लखदा तार की जय, बोलिए खरखोदा धाम की जय, जोदा तालियां, कमाल कर दिया भाई, ताली में को जोशी करो वारे प्रेमियों। बोलिए मोहन राम की जय, बोलिए सच्चे दरबार की। उसके बाद डॉक्टर चैन सिंह चंचल गनौर सोनीपत, ताली लगाओ जी, आओ मिल करके। ओ हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार, सहारी आजा, तेरा दास पुकारी लगा सकते, लगाओ एक बार सीधे सीधे हाथ मिल करके। हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण
दास पुकारे तो खड़ी तेरी दास करुण पुकार हम तो खड़े 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 तेरी दास कह दो एक बार हम तो खड़े पुकार आवाज को ज्यादा आ रही है पब्लिक इधर हो रही है ठाव एक बार जयकारे लगा के दिखाओ सच्चे दरबार की श्याम सरकार की आओ जी मिलकर एक छोटी सी हाजिर और चारों की सी एक छोटी सी फरमाइश हो बाबा तक तो उसके बाद सिर्फ दो लाइनें हमारे भाई के लिए उसके बाद आपसे जाना चाहूंगा एक भक्त इस दुनियादारी से धोखे खा के दुखी होके खाटू धाम पहुंचता है और जैसे तेरा सीढ़ियां चढ़ने से पहले सच्चे दरबार की आइए जी समय का थोड़ा भाव है और हमारे गुरु जी को भी मानते हुए सिर्फ दो लाइनें बस आओ जी और वो भक्त खाटू पहुंचता है और जैसे ही तेरा सीढ़ी चढ़ता है पहली ही सीढ़ी पे पैर रख के ऐसे डगमगाने लगता है कि बाबा इस दुनिया से मैं हार गया हूं लेकिन अगर इस दरबार से भी मैं हार गया तो मैं कहां जाऊंगा और बाबा से कहता बाबा ख्वाहिश बस इतनी मेरे बाबा कुछ ऐसा मेरा नसीब हो वक्त अच्छा या बुरा हो तू मेरे करीब हो कि ख्वाहिश बस ये है मेरे बाबा कि कुछ ऐसा मेरा नसीब हो और चाहे मैं दुख में हूं चाहे मैं सुख में हूं तू मेरे करीब हो और इतने भक्त यहाँ आए हैं आओ मिल करके बाबा से कहो आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए एक नजर कृपा की कर दो मानूंगा ऐसा तेरा मानूंगा ऐसा साथी हमारा कौन बनेगा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनी मिलकर के तुम ना सुनोगे तो अंतिम हाजरी है कोई भी भक्त ऐसा ना हो जिसके जुबान से शब्द ना निकले एक बार उठाओ लंबे लंबे हाथ और मिल करके कहो बाबा से बाबा साथी हमारा कौन बनेगा और मिल करके बाबा से कहो बाबा आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए सुनोगे तो कौन सुनेगा सुनोगे तो कौन सुनेगा देखो एक बार रंबे लंबे हाथ उठाओ और हमारे गुरुजी सीधी सीधी हाथ और मिल करके कह दो बाबा से बाबा मेरे सावलिया सरकार मुझे कहे
लगा रे मेरे सावरिया सरकार तुझे गले लगा रे सब कुछ मैं गया हूँ सावलिया सरकार मुझे गले लगाने आइए तिहाड़ी स्वीकार कीजिए जाते जाते जोर से जयकारा बोले श्याम सरकार की बोले खरकोटा धाम की बोले नकलोई धाम की बोले चुलकाना धाम की बोले खाटू नरेश की एक बार इन प्रेमियों के लिए जोरदार ताली